कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। किसान इन दिनों सरकारी खरीद केंद्रों पर लाल चना की बिक्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद के लिए हजारों किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं, लेकिन कोई भी अपनी पैदावार लेकर मंडी में नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने चना के लिए 6,300 रुपये प्रति क्विंटल MSP तय की है। छोटे किसान तो वैसे भी खरीद केंद्र पर नहीं जाते क्योंकि उनके पास उपज कम होती है। ऐसे में वह सरकारी केंद्र पर जाने और पैकिंग पर आने वाले खर्च से बच जाते हैं। इस बार स्थिति अलग है, बड़े किसान भी खरीद केंद्र पर नहीं जा रहे हैं। दरअसल खुले बाजार में चना की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है। ऐसे में छोटे से लेकर बड़े किसान तक बाहर ही अपनी उपज को बेच दे रहे हैं और अतिरिक्त लाभ कमा रहे हैं। खरीद केंद्र तक पैदावार लेकर जाने में भी खर्च आता है। किसानों को पैकिंग और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है, जबकि व्यापारी किसान के पास से माल खुद ही ले जाते हैं। MSP से अधिक रेट और खरीद केंद्र तक होने वाले खर्च से बचने के लिए कर्नाटका से ज़्यादातर किसान निजी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेच दे रहे हैं। अगर मंगलौर की बात करें तो यहाँ पर खरीद 16,000 किसान MSP दरों पर चना की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। जिले में 180 से ज़्यादा क्रय केंद्र भी बनाए गए हैं, लेकिन किसान यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। ज़्यादातर किसान बेहतर कीमतों की उम्मीद में अपनी उपज को सरकारी केंद्र पर बेचने से बच रहे हैं। हालांकि निजी बाजार में कीमत में ज़्यादातर अंतर नहीं है। यहां पर 6,600 रुपये प्रति क्विंटल तक ये मिल रहे हैं। हालांकि पुराने स्टॉक की भारी मांग है और पिछले खरीद सीजन के दौरान काटे गए लाल चने की कीमत 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक है। वहीं कुछ बड़े किसान छोटे और सीमांत किसानों से चना खरीद ले रहे हैं और अधिक दाम पर अन्य राज्यों में बिक्री कर रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के व्यापारियों से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। एक कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि बारिश के कारण उपज में प्रति एकड़ 4 क्विंटल तक की कमी आई है। दाम बढ़ने के पीछे ये भी एक वजह है। बढ़े हुए दाम से किसान नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अन्य किसानों ने बताया कि वे अपनी फसल को निजी व्यापारियों को बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकारी खरीद केवल तभी होती है जब गुणवत्ता मानकों से मेल खाती हो। किसानों का कहना था कि अभी कीमत तो MSP से ज़्यादा है, लेकिन 200 से 300 रुपए कम भी रहे तो व्यापारियों को बेचना ही फायदेमंद रहता है। सबसे खास बात यह है कि भुगतान तुरंत हो जाता है। यहाँ गुणवत्ता मानकों का झमेला भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।